नमस्ते। मैंने अपने 21 सालों के हीलिंग करियर में ये पाया कि 90% रेकी हीलर्स और मास्टर्स इसे प्रोफेशनली प्रैक्टिस नहीं करते। तो क्या रेकी हीलिंग को प्रोफेशनली नहीं प्रैक्टिस करनी चाहिए, या फिर अगर किया जा सकता है तो इसका क्या कारण है कि लोग नहीं करते, और इसका क्या समाधान हो सकता है कि इसे प्रोफेशनली प्रैक्टिस करके एक होलिस्टिक बिजनेस क्रिएट किया जा सके। मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं। मेरा नाम डॉक्टर पूरन शर्मा है, मैं एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच हूं, और मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस ले आए कि आप रेकी हीलिंग सिस्टम को प्रोफेशनली भी प्रैक्टिस कर सके। मेनली मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, बहुत सारे लोग जो हीलर्स हैं, मास्टर्स हैं, मुझे फोन करते हैं, और मैं जब उनसे बात करता हूं तो मैंने पाया कि वो अच्छे हीलर्स हैं, उनको हीलिंग आती है, और वो उन्होंने हीलिंग करके भी देखा है, स्वयं के ऊपर भी किया है, दूसरों के ऊपर भी किया है, टच हीलिंग भी किया है, डिस्टेंस हीलिंग भी किया है, और उनको पता है कि रेकी प्रभावशाली है और कई सारे रोगों को दूर करने के लिए, कई सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ये कारगर साबित हुआ है, लेकिन वो उसे प्रोफेशनली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और वो मुझे अप्रोच करते हैं कि सर क्या करना चाहिए इसके लिए। तो मैंने वहां जो पाया, उनसे बात करने के बाद जो निष्कर्ष निकला वो ये कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनको रेकी नहीं आती, प्रॉब्लम ये है कि रेकी आने के बावजूद भी, अच्छा करने के बावजूद भी, वो उसे प्रोफेशनली करने की नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि वहां पे उनका एक बिलीफ सिस्टम है, बिलीफ सिस्टम कि रेकी एक दिव्य शक्ति है, ईश्वर की शक्ति है, और इस शक्ति को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें चार्ज नहीं करना चाहिए, उसके एवज में हमें कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये ईश्वर की शक्ति है। मैं मानता हूं और मैं जानता हूं कि ये ईश्वर की शक्ति है, एक दिव्य शक्ति है, और ये आपकी अपनी कोई शक्ति नहीं है जिसके एवज में आप कुछ लोगों से पैसे ले सको। लेकिन जब आप हीलिंग करते हैं तो आप अपना एक समय देते हैं, समय अमूल्य होता है। मैं कहता हूं कि इस अमूल्य समय को जब आप दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिवोट करते हैं, लगाते हैं, तो उसके एवज में आपको चार्ज करना चाहिए, आपको कुछ एनर्जी एक्सचेंज मिलनी चाहिए, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी भी तो दी है ना, वो समय भी तो दिया है, और चूंकि आप उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, एक ऐसा प्रॉब्लम जो शायद कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया, कई वर्षों से आप परेशान हैं, हो सकता है कि आपके रिश्तों में कोई दिक्कत हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, तो जब आप ऐसी प्रॉब्लम के लिए हीलिंग करते हैं तो डेफिनेटली उसके एवज में जो आपको पैसे मिले वो आप स्वीकार कर सकते हैं दिल से। और जब आप इसे लगातार दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज करो और उसके बाद उसके एवज में आपको एनर्जी एक्सचेंज मिलता रहे, उसे ही होलिस्टिक प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस कहते हैं। और मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करने वाला हीलर्स और मास्टर्स क्रिएट करता हूं, और मैं एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच हूं, जिसमें मैं न केवल ये सिखाता हूं कि कैसे आप अपनी लाइफ को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली हाई कर सकते हैं और आगे जाके फाइनेंशियली भी फ्री हो सकते हैं। सो ये कॉन्फिडेंस मैंने देखा कि उनके अंदर नहीं है। यहां ये भी देखा गया कि उनको सही तरीके से गाइडेंस भी नहीं मिला अपने टीचर की तरफ से। जब उन्होंने सिखाना था सिखा दिया, सिखाने के बाद उनको कहा कि प्रैक्टिस करो, साथ में उन्होंने उनको कुछ किताब दे दी, कोई सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन उसके बाद उस टीचर के साथ, गुरु के साथ संपर्क टूट गया, या फिर संपर्क रहा भी तो वो उस लेवल तक बात ना कर पाए कि उनको इतना कॉन्फिडेंस आए और सामने वाले गुरु जी कहे कि आप इसे प्रोफेशनली प्रैक्टिस करो।
और चूंकि चूंकि वो प्रोफेशनली प्रैक्टिस करना जानते भी नहीं है कि कैसे लोगों को अप्रोच करें, कैसे लोग आपके पास आए और कैसे आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो और उसके एवज में आप एनर्जी एक्सचेंज लो, क्योंकि ये बहुत एक जरूरी पार्ट है जिसमें आप अपने आप को प्रोमोट करें कि लोग जान पाए कि आप एक रेकी हीलर हो, आप एक रेकी मास्टर हो और उनकी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। जब ये नहीं हो रहा था तब मैंने कहा कि यही एक मिसिंग पॉइंट है कि आपको एक तो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ आपको ये नहीं सिखाया जा रहा है कि इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को प्रोफेशनली कैसे किया जाए। और जब आपको पता ही नहीं है कि ये कैसे करना है तो डेफिनेटली ऐसे हीलर्स और मास्टर्स रह जाते हैं। और इन्हीं लोगों को मैं कहता हूं कि ये 90% है, ये लोग हीलिंग जानते हैं, बहुत अच्छा हीलिंग करते हैं। अगर इसे इन्हें सिखाना हो, अट्यूनमेंट देना हो तो भी वो दे पा रहे हैं, लेकिन जब प्रोफेशनली प्रैक्टिस करने की बात आती है तो वहां पे उनकी मेंटालिटी, उनकी जो बिलीफ सिस्टम है वो रोक देता है कि नहीं नहीं ये तो एक दिव्य शक्ति है, एक आध्यात्मिक कार्य है, इसके लिए पैसा नहीं लेना चाहिए, और यही सबसे बड़ा ब्लॉकेज बन जाता है। सो इस ब्लॉकेज को दूर करना जरूरी है, इस बिलीफ सिस्टम को दूर करना जरूरी है। जिस तरीके से दूसरे प्रोफेशनल्स अपने सर्विसेज के लिए चार्ज करते हैं, जैसे कि एक डॉक्टर अपने कंसल्टेशन के लिए एक विजिटिंग चार्ज लेते हैं, जैसे कि एक फिजियोथेरेपिस्ट किसी की दर्द को दूर करने के लिए एक सेशन के लिए चार्ज करते हैं, ऐसे ही आप भी अपने हीलिंग सेशन के लिए चार्ज कर सकते हो। आप ऐसे ही सिखाने के लिए भी चार्ज कर सकते हो और ऐसा करना बिल्कुल सही है। ये मैं अपने हर स्टूडेंट को सिखाता हूं। जो भी स्टूडेंट मुझसे रेकी एंड माइंड पावर सीखते हैं, मैं उनकी सिस्टम को पूरी तरह से रेकी मय बना देता हूं और माइंड पावर टेक्निक से उनको इस तरीके से प्रोग्राम करता हूं कि वो उसमें इतना कॉन्फिडेंस आए कि वो न केवल अपनी लाइफ को पूरी तरह से होलिस्टिक बना ले बल्कि दूसरों की लाइफ की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सके। और ऐसा करना बिल्कुल सही है, ऐसा मैं मानता हूं। अगर आप भी ऐसा मानते हैं, अगर आपको भी रेकी हीलिंग सिस्टम को प्रोफेशनली प्रैक्टिस करना है और अगर आपको लगता है कि आपको नहीं पता कि प्रोफेशनली कैसे किया जाए, कैसे इसको लोगों तक पहुंचाया जाए, जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाए, तो आप मेरे साथ एक फोन कॉल बुक कर सकते हैं। मेरे नीचे दिए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझसे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं। थैंक यू सो मच एंड रेकी ब्लेस यू। बाय बाय, टेक केयर।